अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अजरबैजान का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा अपने लैपटॉप के स्क्रीन में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट में आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए लास्ट 6 मंथ तक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, होटल बुकिंग लगेगा और रिटर्न टिकट लगेगा। बस यही डॉक्यूमेंट आपका लगेगा अजरबैजान का ई वीज़ा में। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ। हम लोग आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ। हम लोग सबसे पहले जाएंगे क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद यहाँ हम लोग टाइप करेंगे अजरबैजान ई वीज़ा, या वीज़ा भी आप टाइप कर सकते हैं। देखिए आ जाएगा अजरबैजान वीज़ा। पहला वाला जो लिंक है ना, उसमें क्लिक कीजिएगा। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए हम लोग आ गए हैं मेन इंटरफेस में अजरबैजान के वीज़ा का। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन, पेमेंट और डाउनलोड। तो यहाँ न्यू एप्लीकेशन में क्लिक कीजिएगा। देखिए नीचे न्यू एप्लीकेशन, उसमें क्लिक कीजिएगा। ये आ गया फर्स्ट पेज जो है। यहाँ बोला है नेशनैलिटी आपका क्या है, आप अगर इंडियन है तो इंडियन दे दीजिएगा। फिर बोलेगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपका कौन सा पासपोर्ट है, कौन सा टाइप का। मेरा ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी देंगे। देखिए आपका जैसा टाइप का स्पेशल है तो वो दे दीजिएगा, डिप्लोमेटिक है तो वो दे दीजिएगा। मैं मोस्टली ऑर्डिनरी रहता है, ऑर्डिनरी यहाँ क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ़ एंट्रीज यहाँ आपको सिंगल दे रहा है। फिर आप वेरीफिकेशन कोड दे दीजिएगा यहाँ पर। फिर आपको कंटिन्यू करना है। ये देखिए यहाँ पर आप सेकेंड पेज बोल रहा है अराइवल डेट टू द कंट्री, पर्पज़ ऑफ विजिट। पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है, टूरिज़्म। अब यहाँ बोला है कंसिडरेशन पीरियड, आपको कैसे चाहिए, मतलब वीज़ा किस में चाहिए। यहाँ बोला है 3 वर्किंग डेज में मिल जाएगा, और यहाँ पे अर्जेंट में है 3 घंटे के अंदर है मिल जाएगा। आपको जैसा ठीक लगे आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ बोला है आप डेट चूज़ कर, देखिए यहाँ पे आप डेट चूज़ कर सकते हैं जब आपको जाना है। मैं 31 मई को ही जाऊँगा, तो यहाँ पर देखिए बता दे रहा है बिगनिंग आपका 31 मई से स्टार्ट होगा, एंड हो जाएगा 29 अगस्त को। ये बता दे रहा है आपका प्राइस लगेगा 20 USD प्लस 5 USD सर्विस फीस। वीज़ा फीस है 20 USD और सर्विस फीस है 5 USD। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आई हैव रीड है, ये कर दिया, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप ओके कर दीजिएगा। फिर अब आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको अपना सरनेम देना है जो आपके पासपोर्ट में हो वो दे दीजिएगा। फिर अदर नेम, गिवन नेम अगर आपका कुछ है, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर बहुत लोगों का गिवन नेम नहीं रहता है, इसलिए अभी बहुत लोग का जो अपडेट होकर के आ रहा है ना पासपोर्ट, उसका गिवन नेम रहता है, तो आप गिवन नेम दे दीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ बताइए यहाँ पे, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है। मैं आपको रैंडम दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे बोला है कंट्री ऑफ बर्थ, किस कंट्री में पैदा हुए हैं। मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया दे रहा हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ आप अपना सिटी का भी नाम दे सकते हैं या फिर आप इंडिया भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर आपको अपना जेंडर यहाँ सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको ऑक्यूपेशन क्या, आप करते क्या है, यहाँ पे बहुत सारा है जो आप करते हैं, मीन जो आप हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सोशल साइंस में या फिर मिलिट्री, कहीं पर भी अगर आप काम करते हैं, इंजीनियरिंग, एडुकेशन, जो आप करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम मदर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, क्यों यूट्यूब में वीडियोज़ बनाते हैं। तो यहाँ फिर बोला है फ़ोन नंबर देने के लिए, आप अपना फ़ोन नंबर दे दिएगा जो रहेगा। फिर बोला है मोबाइल नंबर, वही सेम दीजिएगा, दोनों में सेम ही रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। अगर आपके पास दो नंबर है तो आप दोनों नंबर दे सकते हैं। फिर बोला है अपना परमानेंट एड्रेस बताने के लिए, जो आपका एड्रेस है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आप अपना सही एड्रेस दीजिएगा। अब आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। फिर आपको अपना पासपोर्ट नंबर देना होगा यहाँ पे। फिर इश्यू कब हुआ है आपका पासपोर्ट, आप उस हिसाब से अपने पासपोर्ट में देख लीजिएगा। जब भी आपका पासपोर्ट इश्यू हुआ हो वैसे आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे दे दीजिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, पर आपके पासपोर्ट में जो होगा ना आप वही सेलेक्ट कीजिएगा, फ्रंट पेज में आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे फिर बोला है आपको अपना एड्रेस देना होगा जहाँ अजरबैजान में आप जा रहे हैं। बेसिकली जो होटल बुकिंग आप करेंगे ना वही आपको यहाँ पे देना होगा, जो होटल का जो आपका एड्रेस रहेगा ना वो आपको यहाँ पे देना है। फिर आपको यहाँ अपना पासपोर्ट का कॉपी देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है आपको कि आप कभी विजिट किए हैं नगोरो कराबा, अगर आप कभी विजिट किए हैं तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा, अगर आप नहीं किए हैं तो सिंपली नो में रखिएगा। फिर कंप्लीट एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए, यहाँ फिर आप देखिए पढ़ सकते हैं, आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा जो आप फिल किए हैं। फिर आप यहाँ वेरीफाई कर दीजिए, आपको देखिए सेंड हो जाएगा आपके ईमेल में, जो आपके ईमेल दिए ना उसमें आपको सेंड हो जाएगा। यहाँ पे आप रिसेंट ईमेल भी कर सकते हैं अगर नहीं आया होगा तो। देखिए यहाँ पे बोला योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड। फिर हम लोग जाएंगे जो मेल है वहाँ जाके चेक करेंगे, ये देखिए ये हम लोग का आ गया मेल, वेरीफिकेशन मेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया, आपको यहाँ पे अप्रूव करना है, अप्रूव कर दीजिएगा। देखिए फिर ये आ गया आपका लास्ट पेज डेटा कंट्रोल, यहाँ पे बोल रहा है प्लास्टिक कार्ड इशूड इन अदर कंट्रीज, यहाँ बोल रहा है प्लास्टिक कार्ड इशूड इन रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान, ये वाला क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ बोल रहा है आपको पेमेंट करने के लिए, देखिए यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर दे दीजिएगा, फिर मंथ जो एक्सपायर जो है आपका कार्ड का वो आप दे करके यहाँ पे अप्रूव कर दीजिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा, आपको वीज़ा आपको 3 दिन के अंदर में मिल जाएगा। होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, ये आप अप्लाई कर दिए होंगे। तो ये थी कंप्लीट डिटेल अजरबैजान के ई वीज़ा के ऊपर। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।